बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन, कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का मैं शिखा स्वरूप स्वागत करती हूँ। मेहनत से बनाएं आप अपनी पहचान, आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन आप सभी किसान भाई बहनों का मार्गदर्शन करता रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों के विकास के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाती है आत्मा। धान की फसल में शीघ्र करें खरपतवार एवं कीटों के नियंत्रण। कंपोस्ट निर्माण को आसान करता है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। कृषि नीति के तहत राज्य में संस्था आत्मा कृषि और किसानों के विकास के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाती है, जिसका लाभ यहाँ के किसान उठा सकते हैं। इन कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से किसानों को खाद, बीज और कृषि यंत्रों का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराना, इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन जैसे प्रशिक्षण, परिरक्षण, परिभ्रमण, प्रत्यक्षण, कृषक पाठशाला, कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की गोष्ठियों का आयोजन इत्यादि। प्रमुख रूप से किसान अपनी आवश्यकता अनुसार इन कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। धान की फसल में वर्तमान समय में खरपतवार की समस्या आती है, साथ ही फसल में तना छेदक एवं पत्तियां खाने वाले कीट लगने की आशंका रहती है, जिसका नियंत्रण समय पर नहीं करने से फसल को नुकसान हो सकता है। खरपतवार के नियंत्रण के लिए निकोनी अवश्य करें। खरपतवार का ज्यादा प्रकोप होने की स्थिति में बूटा क्लोर दवा का घोल बनाकर फसल में इस्तेमाल करना बेहतर होता है। तना भेदक या पत्तियों वाले कीटों के नियंत्रण के लिए भी थ्रोपोनील और कार्बोफुरान दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। दवा के इस्तेमाल से पूर्व किसी विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। मसालों में मिर्च हमारे झारखंड में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। वर्तमान समय में मिर्च की पूसा ज्वाला, स्वर्ण तेजस्वी नामक प्रभेदों की बुआई कर कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। मिर्च के ये प्रभेद झारखंड के जलवायु और भूमि के लिए अनुकूल है। इन किस्मों के मिर्च की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी ये मिर्च के वैसे प्रभेद हैं जो झारखंड की जलवायु और मिट्टी में बेहतर उपज देते हैं। इनके 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 80 से 100 क्विंटल हरा मिर्च प्राप्त किया जा सकता है। यदि भिंडी की फसल में फली छेदक कीट का प्रकोप हो तो हमारे किसी विशेषज्ञों की राय है कि रासायनिक दवाओं के बजाय जैविक दवाओं का प्रयोग करना बेहतर साबित होता है। कृषक बंधु भिंडी के फली छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए नीम आधारित कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। ये फसल की सेहत और हमारे सेहत के लिए भी बेहतर है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। यह बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाया ले जा सकता है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड एक बहुत ही उत्तम उपकरण है। आमतौर पर किसान कंपोस्ट निर्माण के लिए पक्के बेड का निर्माण कराते हैं, जो इस उपकरण की तुलना में महंगा होता है, साथ ही बहुत स्थान घेरता है। इसके बनस्पत प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड बहुत सुविधाजनक होता है। हल्के होने के कारण इसे कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण फिर से फैलने की आशंका है, इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें, संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ातरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, मौसम का हाल जाना और साथ ही कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखा के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांच कर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान देश की शान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं, खेती किसानी में सबसे बड़ा धन पशुधन को माना जाता है। हालांकि बदलते वक्त के साथ खेती किसानी में संसाधनों का अब ज़्यादा प्रयोग हो रहा है और पशुधन का बहुत ही कम इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बहुत ऐसे भी किसान भाई हैं जो डेयरी व्यवसाय के जरिए पशुधन से बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो ऐसे में पशुओं की देखभाल करना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि पशुओं में होने वाले खुरहा और चपका रोग से उनका कैसे बचाव किया जाए। बरसात और बदलते मौसम के दौरान पशुओं में खुरहा चपका रोग की समस्या बढ़ जाती है। यह रोग पशुओं में तेज़ी से फैलने वाला विषाणु जनित रोग है जिससे पशुओं के उत्पादन एवं कार्यक्षमता पर कुप्रभाव पड़ता है। इसकी चपेट में सामान्यतः
गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुकर जाति के पशु आते हैं। जानकार बताते हैं कि नम वातावरण, पशु की आंतरिक कमजोरी, पशुओं तथा लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन और नज़दीकी क्षेत्र में रोग का प्रकोप इस बीमारी को फैलाने में सहायक कारक हैं। दर्शकों, कृषि दर्शन के इस खास अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आज हम आप पहुंचे हैं रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय काके और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पशु वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पशुओं में होने वाले खुरहा चपका रोग क्या है, इसके क्या लक्षण हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो यह जानना चाहेंगे कि पशुओं में जो खुरहा चपका रोग होता है वह क्या है। खुरहा चपका रोग पशुओं में एक बहुत ही भयानक रोग कह सकते हैं और इससे हमारे पशुओं को काफ़ी हानि होती है। इसके उत्पादन क्षमता, पशुओं की प्रजनन क्षमता पर इसका सीधा असर पड़ता है और इससे इस रोग से, जिससे कि हमारे किसान अगर उसकी सावधानी नहीं देखते हैं, उसके बचाव का उपाय यदि नहीं करते हैं, तो इससे हम देखते हैं कि साल भर में लाखों करोड़ों का हमारे किसानों को नुकसान होता है। तो ये जो खुरहा चपका एक विषाणु जनित रोग है, तो इसका रोकथाम और बचाव बहुत ही ज़रूरी है, तभी इससे इसके दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। बिल्कुल, आपने कहा कि इसका रोकथाम ही एक उपाय है, तो क्या कुछ उपचार किया जा सकता है, क्या कुछ रखरखाव है? सबसे पहले ये जो खुरहा चपका जो बीमारी है, ये एक विषाणु जनित बीमारी है जो विषाणु से होता है, जिसको हम वायरस कहते हैं। और वैसी बीमारी जो वायरस से होती है, उसका इलाज भी संभव नहीं होता है, उसका बचाव ही सबसे ज़रूरी होता है, बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। इसके साथ ही साथ जो खुरहा चपका जो बीमारी होता है, ये सबसे पहले मैं बता दूं कि ये किन किन पशुओं में हो सकता है। तो वैसे पशु जिसका खुर फटा हुआ हो, इसको क्लोवेन फुटेड एनिमल्स कहते हैं, वैसे पशु में ये बीमारी होने की संभावना उसमें अधिक होती है, वैसे ही पशु में होती है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, शुकर या फिर जंगली पशु जैसे हिरण वगैरह में भी ये बीमारी देखने को मिलती है। तो ये बीमारी चूँकि विषाणु जनित रोग है, तो ये काफ़ी खतरनाक होता है और ये उस तरह के पशु में पाया जाता है, फैलता है, जिसका खुर जो है वो फटा हुआ होता है। तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि इस पशु में, इसमें ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। इस रोग से ग्रस्त होने पर पशुओं को तेज़ बुखार के साथ साथ उनके मुँह, मसूड़े, जीभ और होंठ के अंदर के भाग, थन एवं खुरों के मध्य में छाले हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में रोगी पशु खाना पीना बंद कर देते हैं और उनके मुंह से लार बहना प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा खुर में जख्म होने से पशुओं को चलने फिरने में कठिनाई होती है। साथ ही साथ चूंकि ये विषाणु जनित रोग है, तो इसमें ये जो है कि तेजी से ये बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है, यानी बहुत ही कॉन्टामिनेटेड, ये कंटाजियस डिजीज़ कह सकते हैं, तेज़ी से फैलने वाली ये बीमारी है। और ये जो बीमारी है कि ये जो खुरहा चपका जो बीमारी है, इसमें इसकी यदि हम बात करते हैं, लक्षण की बात करते हैं, तो इसमें लक्षण जो है कि सबसे पहले इसमें जैसा कि नाम से स्पष्ट है, खुरपका मुँहपका या FMD फुट एंड माउथ डिजीज़ कहते हैं, तो इसके खुर में और मुँह में इसमें जो है कि देखने को मिलता है घाव। इसमें जैसे कि मुँह में छोटे छोटे छाले पड़ जाते हैं, मुंह में जैसे होंठ में, तालू में छोटे छोटे छाले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर्स जिसको कहते हैं, दाने वाने जैसे, और वो जो दाने होते हैं जो फट करके वो एक बड़ा घाव का आकार लेता है। उसी तरह से पैरों में भी ये कभी कभी ये जो दाने होते हैं पैरों में, जो हुफ में जो कहते हैं कि ये घाव जो होता है, वो जब फट जाता है तो धीरे धीरे वो एक बड़ा घाव के रूप में ले लेता है। कभी कभी पूरा खुर जो है वो भी अलग हो जाता है और इससे जो है पशु में लंगड़ापन जो है वो होने लगता है, पशु लंगड़ा करके चलने लगती है और कभी कभी देखा जाता है कि पशु बहुत ज़्यादा जो है कि अफेक्टेड होता है। और मुंह में छाला पड़ने के कारण जो है पशु खाना पीना कम कर देती है, बंद कर देती है और धीरे धीरे पशु कमज़ोर होती है और इसका सीधा प्रभाव इसकी उत्पादन क्षमता में पड़ता है। दूध देने वाले पशु की दूध उत्पादन काफ़ी कम हो जाती है, कभी कभी दूध पूरा सूख जाता है। मांस उत्पादन करने वाले पशु में बढ़ने की क्षमता कम हो जाती है। जो गर्भवती पशु होते हैं उसमें गर्भपात होने की संभावना होती है और इस बीमारी से पशु मरते नहीं हैं जल्दी, लेकिन उसकी जो उत्पादन क्षमता, प्रजनन क्षमता पर इसका सीधा असर पड़ता है, जिससे हमारे किसानों को इससे सीधा नुकसान होता है। शुरुआती दौर में जब ये बीमारी, चूँकि ये बीमारी जो संक्रमित पशु है उससे स्वस्थ पशु में फैलता है
और शुरुआती में कह सकते हैं कि ये इसको जो जब वो कॉन्टामिनेटेड होता है जब कोई पशु, तो लगभग 10 से 12 दिन के अंदर जो स्वस्थ पशु होते हैं उसमें फिर वो लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से शुरुआती जो लक्षण होते हैं इसमें बुखार से शुरू होता है हमारे पशु में, 2 से 3 दिन तक बुखार होता है, उसके बाद बुखार जो है वो ख़त्म हो जाता है। साधारण तापमान हमारे पशु के हम जानते हैं कि जैसे गाय भैंस है उसमें लगभग 100-101 डिग्री उसकी साधारण तापमान होती है, तो उससे उसका तापमान शरीर का बढ़ जाएगा। तो शुरुआती लक्षण ये देखते हैं, धीरे धीरे उसमें छाले फफोले पड़ने शुरू होते हैं और ये फिर धीरे धीरे वो सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जब पैरों में छाले पड़ जाते हैं और उसका वैसे ही छाले वाले पशु अगर बाहर चरने जाते हैं, कीचड़ में जाते हैं, फिर उसके बाद जो है कि अगर उसकी सही देखभाल नहीं करते हैं तो उस जो छाले होते हैं, घाव होते हैं, उसमें फिर कीड़े लग जाते हैं और कीड़े लगने के बाद वो घाव और बढ़ जाता है और पशु दूसरी बीमारी से फिर ग्रसित होने लगता है और उससे उसका मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरह से इन लक्षणों के हिसाब से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। खुरहा चपका रोग होने से दुधारू पशुओं के दूध का उत्पादन गिर जाता है और वे कमज़ोर होने लगते हैं। इस बीमारी से मृत्यु दर अत्यंत कम है, हालांकि कभी कभी इस रोग के कारण छोटे पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। इन बीमारियों से बचाव के लिए पशुओं का टीकाकरण बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा रोग के लक्षण दिखने पर रोगग्रस्त पशुओं के पैर को नीम एवं पीपल के छाले का काढ़ा बनाकर दिन में 2 से 3 बार धोना चाहिए। प्रभावित पैरों को फिनाइल युक्त पानी से दिन में 2-3 बार धोकर मक्खी को दूर रखने वाली मलहम का प्रयोग करना चाहिए। प्रभावित पशु को साफ एवं हवादार स्थान पर अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखना चाहिए। आज की हमारी दूसरी जानकारी है सब्जियों में पोषक तत्व के लक्षण एवं निदान। जैसे हम इंसानों को पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, उसी तरह पौधों को भी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है उनकी विभिन्न जैविक क्रियाओं को करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। दर्शकों नमस्कार, कृषि दर्शन के संक में आप सबका स्वागत है। आज हम आप पहुँचे हैं रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में और हमारे साथ यहाँ के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर शशिभूषण कुमार जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि रबी सब्जियों में पोषक तत्व की कमी एवं उनकी देखभाल के बारे में। सर आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों और जोहार। नमस्कार किसान भाइयों, रबी मौसम में जो सब्जी लगता है मुख्य रूप से इसमें आलू, प्याज, फूलगोभी, बंदा गोभी, बैंगन, टमाटर, मिर्च, हरा मिर्च, शिमला मिर्च, इन सब सब्जियों का खेती ज़्यादा होता है। और जो रबी फसल में अभी जो हम लोग को लगाना है इसमें पोषक तत्व की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि जो हमारे जो अभी सब्जी का उत्पादन होगा, सब्जी का उत्पादन ज़्यादा होता है और ज़्यादा होगा तो कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा मिट्टी से निकालेंगे तो उसको उतना ही हमें देना भी पड़ेगा। यहाँ तक कि जब हम बात करें आलू और प्याज का, तो आलू में हम लोग करीब करीब 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद देते हैं। उसी तरह से प्याज में भी करीब करीब 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर खाद देने की आवश्यकता पड़ती है। अगर एकड़ में कन्वर्ट करें तो एकड़ में करीब करीब 80 क्विंटल प्रति एकड़, या टन में कन्वर्ट करेंगे तो 8 टन प्रति एकड़ हमें गोबर की खाद देनी पड़ती है। इसके अलावे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका हम लोग 100 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस और करीब करीब 50 से 60 kg पोटास, ये हम लोग आलू के खेती में और प्याज के खेती में डालते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो हम लोग जैसे हमने बताया कि 200 क्विंटल से 300 क्विंटल गोबर की खाद डालते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या है। अगर मिट्टी की उर्वरा शक्ति ज़्यादा है तो हम लोग 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से काम चला लेंगे। अगर संकर है या यूं कहें कि हाइब्रिड वैरायटी है तो भी हम लोग गोबर का खाद 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दे देते हैं।
इसमें एक्चुअली गोबर का खाद इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि गोबर के खाद में सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। आपको पता होगा हमारे किसान भाइयों कि हमारे जितने भी पौधे हैं उसको 16 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है और गोबर के खाद में सारे 16 पोषक तत्व मौजूद होते हैं। हालांकि इसका प्रतिशत बहुत कम होता है लेकिन सारे पोषक तत्व इससे उपलब्ध हो जाता है। लेकिन हम लोग हमारा जैसे आज का विषय है कि कौन सा पोषक तत्व का कमी से कैसा लक्षण दिखेगा, तो सबसे पहले हम नेत्रजन पर आते हैं। नेत्रजन का अगर कमी है तो अगर नेत्रजन यानी कि यूरिया आप नहीं डालते हैं अपने खेतों में, यूरिया की कमी अगर करते हैं तो या डीएपी के डीएपी से भी नेत्रजन प्राप्त होता है, तो इससे जो पौधे का जो पत्ता है तो पत्ता का बीच वाला पार्ट है जिसको जिसमें कि नर्व होता है वो पीला होने लगता है। तो अगर ऐसा अगर आप अपने खेतों में अपने सब्जियों में देखें कि पीला होता जा रहा है बीच में, बीच पत्ते के बीच वाला पार्ट जो वेन होता है वो अगर पीलापन हो रहा है तो समझ लीजिए कि इसमें नेत्रजन की कमी है और वैसी परिस्थिति में हम यूरिया देने की आवश्यकता है। अगर फॉस्फोरस की कमी होती है तो फॉस्फोरस के कमी में लाल कलर का डेवलपमेंट पत्ते में हो जाते हैं, खासकर ये आप मक्के का जो पत्ता होता है उसमें लाल कलर करीब करीब 30 से 40 दिन का जो हमारे पौधे होते हैं उस समय लाल कलर कभी कभी देखने को मिलता है। आप गोभी में देखें, गोभी के पत्ते में भी लाल कलर या और भी किसी फसल में अगर लाल कलर दिखता है तो वो इसका मतलब है कि फास्फोरस की कमी उसमें है। तो फास्फोरस की कमी के लिए हम लोग डीएपी देते हैं या और भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है उसका उपयोग करते हैं। उसी तरह से पोटास की अगर कमी है तो पोटास की कमी में भी येल्लो कलर होता है, पीलापन हो जाता है, लेकिन वो पीलापन आपको किनारे से डेवलप होगा पत्ते के किनारे से। तो किनारे में अगर पीलापन है तो समझ लीजिए कि पोटास की कमी है और पोटास की कमी खासकर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आलू के खेती में देखा जाता है। पोटास की कमी से आलू का नीचे जो या आलू के अलावे कोई भी ज़मीन के नीचे जो बैठता है कोल क्रॉप जो जिसको बोलते हैं इसमें पोटास की बहुत ही आवश्यकता होती है। आलू का साइज छोटा हो जाता है, उसमें लाल कलर का डेवलपमेंट हो जाता है आलू के बीच में, तो ये सब पोटास की कमी के लक्षण हैं। तो अगर ऐसा अगर सिम्टम्स देखें अपने खेतों में अपने अपने फसलों में तो उसमें पोटासिक फर्टिलाइज़र म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से आता है उसको ज़रूर डालें, लाल खाद भी बोलते हैं हमारे किसान भाई। तो अगर आपके फसल में सल्फ़र की कमी है तो सल्फ़र खासकर जो तेलहन फसल है उसमें सल्फ़र की कमी देखी जाती है और प्याज में भी सल्फ़र की कमी देखी जाती है, जो झांस आता है वो सल्फ़र के कारण होता है। तो हम किसान भाइयों को कहेंगे कि जो किसान भाई प्याज की खेती करते हैं या कोई जो तेलहन की खेती करते हैं उसमें सल्फ़र का उपयोग ज़रूर करें। तो किसान भाई आपने देखा सब्जियों के लिए पोषक तत्व की कितनी ज़रूरत है, अगर पोषक तत्व कमता है तो निश्चित तौर पर उत्पादन पर इसका असर होता है। डॉक्टर साहब आपने हमारे किसान भाई से जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आज की हमारी दोनों जानकारियां आपको कैसी लगी? हमारी पहली जानकारी थी पशुओं में होने वाले खुरा और चपका रोग से उनका बचाव कैसे किया जाए। वहीं हमारी दूसरी जानकारी थी खरीफ सब्जियों में पोषक तत्व के कमी से लक्षण एवं निदान उसके क्या क्या हैं। तो आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी हो हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी आपको लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या है 834001। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की, हर किसान का सब
सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को गाँव गाँव की हर आंगन का प्यारा साही दर्शन कृषि 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 दर्शन।